हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये मैंने पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग पहले मैंने ब्लैक कलर से पूरा बनाया है। पूरा डिजाइनिंग बनाने के बाद अब इस पार्ट में मैं आपको पूरा कलरिंग का आपको दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस। तो पहले कलर करने के लिए हमने ये रेड कलर का यूज़ किया हुआ है, और इसमें बहुत बारीक काम है, सारा कशनी का काम है, तो हम कशनी कर रहे हैं। ये इसमें हम मल्टीपल कलर यूज़ करने वाले हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, काफ़ी सारे कलर यूज़ करेंगे। क्योंकि आप जितना अच्छा कलर, ब्राइट कलर यूज़ करते हैं, ये पेंटिंग और ज़्यादा अच्छे निखर कर आती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। मेरे एक यूट्यूब मित्र ने पूछा कि आप हमेशा मछलियाँ ही क्यों बनाते हो। तो मछलियाँ हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मछलियाँ जो होती है उर्वरता, प्रजनन और समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होती है। तो मुझे इसलिए मछलियाँ बनाना ज़्यादा पसंद है। एक मज़े की बात बताती हूँ, क्या होता है ना कि मैं तुम हूँ प्योर वेजिटेरियन, मैं मछलियाँ खाती नहीं हूँ, मतलब नॉन वेज नहीं खाती। तो जैसे मैं रात में पेंटिंग कर रही होती हूँ, अगर फिर मेरे किसी मित्र का कॉल या वैसे आ जाता है मैसेज कि क्या कर रहे हो, मैं बोलती कि मैं मछलियाँ बना रही हूँ। तो फिर वो बोलते हैं, अरे तुम तो मछली खाते नहीं हो, फिर मछलियाँ कैसे बना रहे हो। उन्हें मैं खाती नहीं हूँ लेकिन बनाती ज़रूर हो, क्या सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो। खाने के लिए नहीं बनाती लेकिन पेंटिंग में तो बनाती ही बनाती हूँ। तो बातों ही बातों में आपने देखा ये पेंटिंग हमारी लगभग 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 कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे देखिए हम ग्रीन कलर का प्रयोग कर रहे हैं, और पूरा कचनी यहाँ पे हम दोहरी कचनी कर रहे हैं। दोहरी कचनी क्या होती है, चलिए इसके लिए मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स होती है उसका एक एग्ज़ाम्पल देते हुए मैं बनाऊँगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मे बी मैं वही बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से और सीख सकें बारे किया। तो ये यहाँ पे देखिए, ये हम फिर छोटे 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 लाइंस बना रहे हैं, कशनी कर रहे हैं, और इससे हम पूरी पेंटिंग को, जो खाली एरिया है ना, उसको हम पूरा फिल कर देंगे। अब अगला वीडियो क्या चाहते हो आप एक बार सजेशन देना, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मेरे लिए, क्योंकि उससे ना मुझे सजेशन मिलता है कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या बनाऊँ। तो ये देखिए, ये पेंटिंग का फेस में भी हम वही छोटे छोटे डॉट्स जो है बना रहे हैं, और पेंटिंग हमारी लगभग पूरी होने वाली है। मेरे पास इस पेंटिंग को पैक करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया कि ये मेरा अमेजन से ऑर्डर है जिसका मैं काम पूरा कर रही हूँ, तो मेरे पास इस पेंटिंग को पैक करने के लिए कुछ था नहीं कि मैं किस चीज़ में पैक करूं, क्योंकि मुझे फ्रेम के साथ नहीं, केवल पेपर फॉर्म में देना था डिज़ाइन बनाकर। तो वैसे देती तो ये मुड़ जाता और वैसे ख़राब हो जाता, फटने के चांसेस थे। तो फिर मैं अपनी ही गली में गई और वहाँ से एक जो ये क्या कहते हैं उसको, खिलौने की दुकान थी ना, तो उस पर गई और वहाँ पर बैडमिंटन के जो कॉक्स होते हैं, बॉक्स एक ऐसी ही राउंड कलर के राउंड शेप की डब्बी में आती है। तो मैंने उनसे बोला, भैया कोई ऐसा खाली डब्बी हो तो मुझे दे दो। तो फिर उन्होंने, भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दे दिया, और फिर मैं इस पेंटिंग को सेफली उस डब्बे में बहुत अच्छे से पैक करके फिर मैंने इनको डिस्पैच किया है। तो देखिए अब ये मेरी पेंटिंग कम्प्लीट हो गई है, बिल निकाल लिया है मैंने, और ये टेंशन मत लीजिए, दूरबीन नहीं है ये, वही पैकिंग करने के लिए डब्बा था। तो बस अब दो मिनट में, क्योंकि कुरियर वाले भैया का भी फ़ोन आ गया कि मैडम पैकिंग में रेडी रखो, मैं बस 5 मिनट पहुंचने वाला हूँ। तो मैं फटाफट 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 इसकी पैकिंग करती हूँ। देखिए ये पैकिंग करने का एक सिंपल तरीका है, एकदम एक राउंड डब्बे में मैंने राउंड करके ही पेंटिंग को डाल दिया है, और एक बिल भी डाला अंदर, और ऊपर से फिर इसको हम अच्छे से पैक करके कुरियर वाले भैया को दे दिए, और ये रेडी हो गया हमारे डिस्पैच होने के लिए। पेंटिंग अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।